तो लीजिए, हमारी सुबह की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है, चाहे मैं कितना ही लेट सोऊं, क्योंकि उठना पड़ता है यार। और किचन की घड़ी में हुए थे 5 बजने वाले थे और मोबाइल में हुए 5:06। तो चलिए, मैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ उठ चुकी हूँ, एक पॉजिटिविटी पूरे माइंड में भर के उठ चुकी हूँ। जब भी हम एक पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ उठते हैं ना, तो वो पूरा दिन ना हमारा बहुत अच्छा जाता है। दिल में एक उमंग भर जाती है, मूड भी उस दिन हमारा पूरा अच्छा रहता है पूरे दिन, और ढेर सारे काम करने का मन होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, बस हम सब कुछ कर गुजर जाएंगे, थकान बिल्कुल भी नहीं आती है, एनर्जी लेवल हाई रहता है। तो सुबह उठते से ही हम अच्छी अच्छी बातें सोचो, पॉजिटिव थॉट के साथ उठो। सोना भी पॉजिटिव थॉट के साथ है, उठना भी है। जब भी हम नेगेटिव थॉट के साथ सोते हैं, नेगेटिव थॉट के साथ उठते हैं, तो बस वही दिन वहीं पे ख़राब हो जाता है, एनर्जी हमारी लो हो जाती है। तो बस एक पॉजिटिविटी के साथ उठी हूँ, ब्रश किया है, फेस को वॉश किया है, वही मेरा नियम है। और आज मैंने ठान रखा है कि जैसे मैं पहले करती थी ना, 5 से 7 में सारे काम खल्लास कर देती थी, वैसे ही मुझे कर देने हैं। तो बस सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट को अपने एक पेज पर उतार लेते हैं, इससे क्या होगा ना, पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो जब जो मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि मैं ऐसे अपने आप को चार्ज करती हूँ, तो सुबह 5 बजे आजकल मैं ये करती हूँ, एक डायरी जो मेरी है वो लेती हूँ, उसमें एक सकारात्मक सोच जो है ना वो लिख लेती हूँ। बहुत सी मोटिवेशनल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सॉन्ग सुनती हूँ, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनती हूँ, पॉजिटिव थाट्स जो है ना वो पढ़ती हूँ, तो वो मेरे माइंड में रहती हैं। तो उनमें से ही एक जो भी मुझे याद आती है वो मैं लिख लेती हूँ। आप लोग भी ऐसा करके देखिएगा, पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और फिर उस पेज को ना क्या कीजिए, चिपका लीजिए कहीं, पूरे दिन आप उसे देखते रहिए और पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, रात को एक पॉजिटिव थॉट एक पन्ने पे उतार ली और सो गए, सो जहाँ पे आपकी आँख खुलती है ना, सामने ही वहाँ पे वो पेज लगा दीजिए, और जब आप उठेंगे, लाइट ऑन करेंगे और वो पॉजिटिव थॉट आपको दिखेगी ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ, और फिर सीधा आप लोगों को पता है कि जन्म वचन का काम होता है, थोड़ा सा पूजा वूजा करूँगी, कार्तिक मास चल रहा है, तो इसलिए तो तुलसी जी में पानी डालती हूँ, दिया करती हूँ, अंधेरा रहता है तब तक में ही। तो बस यहाँ पे गर्म पानी अपना चढ़ा रखा है, पूरे नियम अभी चल रहे हैं कि हाँ, गर्म पानी भी चल रहा है, तो एक्सरसाइज भी चल रही है, तो दिया बत्ती भी चल रही है, तो सारा चल रहा है। तो बस यहाँ पे चाय भी मैंने चढ़ा दी थी, अब बस एक ये कलश पे पानी भर लेते हैं और भर के, और दिया जलाऊंगी और बाहर जाके तुलसी जी की पूजा करूंगी, फिर आके अपने नेक्स्ट काम करूंगी। तो यहाँ पे हमारा गरम पानी जो है वो तैयार है। अभी तो मैं बिल्कुल सादा वाला लूँगी, लेकिन अभी बहुत तेज़ मैंने गरम कर लिया है। इसी बीच में सब्ज़ी जो है वो बना लूँगी, पत्ता गोभी पिछली रात ही मैंने कट करके रख दी थी, तो पत्ता गोभी, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है वो बना लूँगी। आलू बाद में डाल दूँगी ऊपर से, अभी कट करके, आलू तो कट करके रख नहीं सकते ना, इसलिए फिर उतने में अपने आप को वो जो है थोड़ा सा टाइम दूँगी, यहीं पर बैठ के पानी पी लूँगी। तो पानी पीना भी बहुत ज़रूरी, सुबह उठते से ही आप या तो गुनगुना पानी ले लीजिए 2 ग्लास, या मैं थोड़ा सा एक बार नॉर्मल सादा पानी ही ले रही हूँ। उसके बाद जब ये हल्का थोड़ा सही हो जाएगा ना, जो मैंने तेज़ गर्म खौलाया है, उसको धीरे धीरे पी लूँगी। तो बस पहले तो मैंने एक बार अपने आप को रात भर से पानी नहीं पिया, तो भैया पानी पीना भी ज़रूरी है, अपनी बॉडी को भी तो पानी से भी तो चार्ज करेंगे ना। और ये ऐसा करने से दिन भर में आपके सारे टॉक्सिन्स जो है ना वो निकल जाते हैं, तो पानी का जो है ना वो पूरा भरपूर रखना चाहिए। तो आजकल मैं प्रॉपर ले रही हूँ पानी, और इससे भी वेट लॉस में भी फ़र्क पड़ता है, बॉडी में जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं।
तो बस यहाँ पे सब्ज़ी तो छोंक दी है, चाय भी मैंने चढ़ा दी थी तो एक बार बंद कर दी है। और ये देखिए आलू, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, इसके जो क्या है ईलू के लिए तो मैं रोल बना दूंगी। रोल ईजीली खा लेती हूँ, उसको खाने में भी ईजी रहता है ना टिफ़िन में, इसलिए। तो बस अब इनके लिए मैं रोटियाँ बना दूंगी, ईलू के लिए दो पराठे बना दूंगी, और उन पराठों में पिज़्ज़ा सॉस और लगा के और सब्ज़ी वब्जी डाल के और बस रोल बना दूंगी। तो वो उसको ईजी रहता है, वो स्कूल में क्या है ना, चाय में पनीर की सब्ज़ी भी डाल दूंगी ना तो वो खाना पसंद नहीं करती, उसको पराठे ले जाना पसंद है। कि जैसे कि स्टफ्ड पराठे हो गए, आलू का पराठा हो गया, मूली का पराठा हो गया और गोभी का पराठा हो गया, ऐसे वाले, या फिर ये रोल पसंद करती है वो ले जाना, और या फिर वही चाउमीन पास्ता, तो वो तो डेली दे नहीं सकते। तो पराठे अधिकतर मैं देती हूँ, जैसे कि पालक के हो गए, मेथी के हो गए और ऐसे करके, और ये इस तरीके से। अब तो देखो सर्दियाँ आ गई हैं, जाड़ों की भी शुरुआत हो गई है, तो मूली हो गई, गोभी हो गई, ये सब कुछ है तो इनके बनाएंगे। तो बस यहाँ पे ये काम हो गया तो किचन को लगे हाथ, जो है ना सारे सामान क्लीन करके रख देते हैं, सेट कर देते हैं। लास्ट एक रोटी और बड़ी सी बनाई है, वो चूचू के लिए बनाई है, उसको भी तो देंगे ना, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे सारी सफाई भी साथ ही साथ कर दूंगी। और आज मैंने सोच रखा है कि ये लोग के जाने से पहले ही सारी सफाई कर लूँगी, जैसे कि मैं पहले कर लिया करती थी। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सारा काम कंप्लीट, कि भाई वीडियो भी शूट हो रही है, सुबह उठ भी गए हैं, नाश्ता और खाना, टिफ़िन लगाना, वाटर बॉटल भरना, ईलू को तैयार करना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ। तो बर्तन तो ज़्यादा नहीं थे क्योंकि रात को कर रखे होते हैं तो उतने नहीं होते हैं। नाश्ते में बस इनको आज मैं ब्रेड जैम दे रही हूँ दोनों को ही, तो ब्रेड जैम हो जाएगी नाश्ते में, और टिफ़िन में जो है इनको तो सब्ज़ी रोटी हो जाएगी और ईलू को वो रोल हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई है, चाय को एक बार फिर से गर्म कर लिया है क्योंकि चाय पीने का टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है, आधी आधी कप लेती हूँ। अभी मैं डाइटिंग पे हूँ लेकिन फिर भी आधी कप तो ज़रूरी है ही है, तो बिल्कुल कम कम ले लेती हूँ, सुबह की लेती हूँ, शाम की कभी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लगता है कि एनर्जी लो तो लेती हूँ, वरना नहीं लेती हूँ। तो बस बाहर आ गए हैं और बाहर आके जो है ना चाय पियेंगे। ये बाहर ले आए थे कि बाहर नाश्ता भी कर लेते। देखो अभी तक उजाला नहीं हुआ है, अभी कितना टाइम हुआ होगा, 6 बजे होंगे, 6:15 बजे होंगे, मुझे याद नहीं है, लेकिन देखो। और फिर इसके बाद वो करूँगी इलू को, मुझे चुन्नी भी सेट करनी होती है, इलू के बाल भी बनाने होते हैं, टिफ़िन भी लगाना होता है, तो ये सारा काम ना हो जाएगा। 6:30 तक मेरी झाड़ू वाड़ू भी हो गई थी, और बस ये जो बॉटल्स हैं वो भर देते हैं, टिफ़िन जो है वो लगा देते हैं, फिर ईलू को तैयार करूँगी। मतलब कि तैयार वो सब कुछ हो जाती है, बस दो काम मेरे होते हैं कि ये पिन जो है ना वो लगानी होती है दुपट्टे पे, और बाल बनाने होते हैं क्योंकि बाल बड़े हैं ना उसके।
तो बस ये सारा काम हो गया था। तो मैंने कहा चलो, पहले मैं क्या अभी सोच रही थी कि इल्लू के साथ चलो 2 मिनट टाइम गुजार लेते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इतने में डस्टिंग ही कर लेते हैं। तो बस डस्टिंग की, फिर झाड़ू वगैरह भी कर ली, तो भी टाइम बच गया था, तो मैंने पोछा भी कर लिया। तो आज सारा काम ना 7 बजे तक मैंने कर लिया था। हाँ, कपड़े के लिए मैंने मशीन बाद में लगाई थी, क्योंकि इतनी जल्दी अंधेरा सा रहता है ना, तो मैं उस साइड जाती नहीं, मुझे छिपकली का डर रहता है बालकनी में कि कहीं कोई छिपकली ना हो मोटी सी, इसलिए। तो बस यहाँ पे डस्टिंग करके झाड़ू लगाऊंगी। तो बस डस्टिंग कर रही थी, घर सेट कर रही थी, तो इन्होंने यहाँ वहाँ अपने प्रेस करके रखे हुए थे, तो बस एक साथ कर देते हैं, पैंट को, शर्ट को, इनका पर्स जो हुआ है, जो जो इनकी घड़ी हुई, जो इनके जो गाड़ी की चाबी हुई, वो भी एक साथ रख देती हूँ, ताकि घर भी सेट हो जाए और इनको भी इजीली मिल जाए, और फिर ये कुछ भूलेंगे भी नहीं। तो नहीं तो कभी मोबाइल कई बार भूल जाते हैं या कुछ। बस इनका टिफ़िन और वाटर वाटर डाल देती हूँ। इलू का, इलू ने डाल दिया है, मैंने क्योंकि लगा दिया था तो इलू ने अपने बैग में डाल लिया, तो इनका डाल देती हूँ, और बाहर इन दोनों के बैग जो ना वो रख दूंगी, ताकि बस इस रूम की भी हो जाए डस्टिंग। दोनों तैयार हो चुके थे, आज ये भी टाइमली हो गए थे, वरना ये थोड़ा सा लेट कर देते हैं तैयार होने में। तो बस दोनों का बैडमिंटन चल रहा है, उतने में मैं अपना जो है ना पोछा लगा के आ जाती हूँ, और पोछा लगाने के बाद बस इन लोगों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूँगी, उतने में इलू की वैन आ जाएगी, वैन आएगी, उतने में ही ये फिर चले जाएंगे। दोनों ये तो चले गए थे, इलू अपने स्कूल, ये अपने ऑफिस। तो मैंने कहा चलो पौधों को भी पानी पिला देते हैं, और एक बार मशीन में कपड़े डाल के आ जाऊंगी, और फिर अपनी वॉक और एक्सरसाइज करूंगी। ये देखो, वॉक और एक्सरसाइज के बाद मैं आजकल क्या करती थी कि अपना ये सफाई वगैरह करती थी, लेकिन अब मैंने पूरा वो कर लिया है अभी आज से।
तो बस फिर वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, और बस कपड़े जब हो जाएंगे तो वो सुखा देंगे। तो आज सारा काम 5 से 7 में सब कुछ खलास हो गया, प्लस शूट भी मैंने सब कुछ कर लिया है। तो फिर अब 7 बजे वाला वो रूटीन, उसके बाद देखते हैं। लेकिन हाँ, पूरे दिन आज शूटिंग शूट करने से, व्लॉग शूट करने से रेस्ट लूँगी। काम कुछ ना कुछ करती रहूँगी, लेकिन व्लॉग शूट करने से रेस्ट लूँगी। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।